राम दया के सागर, राम की महिमा अपरंपार, राम ही सरकार है, राम ही निराकार है, राम ही सत्य है। राम की महिमा को देवभूमि के लोगों ने आखिरकार अखिलेश को समझा ही दिया। देवभूमि में अखिलेश आए, देवप्रयाग में संगम में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना के बाद लगने लगे जय श्री राम के जयकारे। श्री राम का नारा सुनकर बोले अखिलेश यादव, यहाँ कहाँ से आए राम। फिर देवभूमि के पंडित ने सुनाई कथा, अखिलेश आंखें खोलकर सुनते रह गए। राम कणकण में मौजूद हैं, श्री राम इधर उधर जिधर तिधर हर तरफ मौजूद हैं। श्री राम के बारे में किसी मुस्लिम शायर ने बहुत खूब कहा था, दया आकर लिखने बैठूं होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया ऐसे थे मर्यादित राम। अब इस फिलॉसफी को भले ही नेता भूल गए हों, राम भक्त नहीं भूलते। और जब सवाल उठता है तो जवाब इस तरह से मिलता है, बोलती बंद हो जाती है, वो बस देखते ही देखते रह जाते हैं। जहन में बस एक ही बात होती है, बात तो जिसके सामने की गई, जो बोल रहा वो तो सोलह आने सच कह रहा। अब देखिए ना, भक्ति के रंग में रंगकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देवभूमि आए, तभी उनके सामने जय श्री राम के जयकारे लगे तो वो हैरान हो गए। उनकी जुबान पर छूटते ही एक सवाल आ गया, यहाँ राम कहाँ से आए। ये सवाल कुछ ऐसा है जिससे लगता है उत्तराखंड से भगवान श्री राम का कोई कनेक्शन है ही नहीं। राम तो यूपी से श्रीलंका और फिर अयोध्या यहीं तक सिमटे हुए हैं। अब अखिलेश यादव ने जो अपने दिलो दिमाग में श्रीराम के लिए धारणा बनाई थी, उसे उत्तराखंड के एक पंडित ने इतनी आसानी से ध्वस्त किया कि अखिलेश कहने के लिए मजबूर हो गए, वाकई में देवभूमि से श्रीराम का तो गहरा नाता है। पंडित ने इतनी सरलता से अखिलेश के सवाल का जवाब दिया, वहां मौजूद डिंपल यादव, उनके बेटे और बेटियां समेत ढेर सारे लोग मुस्कुराते रह गए। तो ऐसे में सवाल है, कौन है वो पंडित जिसके उत्तराखंड में खूब चर्चा हो रही, जिसकी प्रशंसा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजबूर हो जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यही कहेंगे, मुझे गर्व है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। पंडित ने यूपी के सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल माँ गंगा के परिवार के साथ पूजा अर्चना की विजयदशमी पर्व पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव और परिजनों के साथ संगम स्थल पर गंगा दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उनको देखने और मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी, जबकि कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली। गौरतलब है कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव उत्तराखंड की रहने वाली है। डिंपल का नाता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है, उनके पिता काशीपुर में रहते हैं। 24 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव और परिवार के साथ अचानक देवप्रयाग गए। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर पहुंचे। इस दौरान गंगा स्नान के बाद तीर्थ पुरोहित पंडित हजारी लाल भट्ट ने गंगा पूजन करवाया। अखिलेश ने कहा कि वो शीतकाल में दोबारा अवश्य गंगा स्नान के लिए देवप्रयाग संगम पर पहुंचेंगे। संगम स्थल पर पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मंदिर के पुजारी सोमनाथ भट्ट ने इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व भी बताया। इस दौरान सोमनाथ भट्ट ने जय श्री राम का जयकारा लगाया तो अखिलेश मुस्कुराते हुए बोल पड़े कि यहाँ कहाँ से आ राम। इसके बाद पंडित सोमनाथ भट्ट ने जो जवाब दिया उसे सुनकर अखिलेश यादव को अपनी सोच जरूर बदलनी पड़ी। सबसे पहले वहां मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा, जगत में हर जगह है राम ही राम। इस पर पंडित सोमनाथ भट्ट ने बताया, त्रेता युग में राम यहां आए थे। रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए श्री राम ने देवप्रयाग में मौजूद राम कुंड में भगवान शिव की आराधना की थी। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। बताया 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।